मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र प्रतिशत। हाँ भाई, कक्षा का विषय क्या है? निमित्त। इसका दूसरा नाम क्या है? कारण कार्य मीमांसा। शैली कौन कौन सी है? स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म को जानना और ज्ञात से अज्ञात को जानना, ये है ना। जो चीज जानकारी में हो तो उससे अंदर जाना, सूक्ष्म जानना। चलो जल्दी से कार्य के नाम, हालत दशा पर्याय उपाधि परिणमन परिणति कर्म क्रिया नैमित्तिक व्यक्ति परिणाम क्षणिक सत नियति भवितव्यता होनहार। बहुत बढ़िया। अभी कार्य की परिभाषा क्या है? कारणानु विधायिनी कार्याणी। इसका मतलब क्या निकला? कारण के अनुसार कार्य होता है, कारण का अनुसरण करके कार्य होता है। अभी कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री। कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? कारण। बराबर। अच्छा, न्याय क्या है? कारण पूर्वक ही कार्य संपन्न निष्पन्न होता है, अर्थात बिना कारण के कार्य असंभव है। कारण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया, कार्य के कारण को ज्ञात करना। अभी कारण के दो भेद हुए। कारण के कितने भेद हुए? दो। कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान कारण। अभी निमित्त कारण के अपर नाम, संयोग रूप कारण, ज्ञापक कारण, पर भिन्न कारक। ठीक है। परिभाषा, परिभाषा क्या है निमित्त की? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे परंतु अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ी दो मिनट में इसको समझाएंगे अपन, परिभाषा को। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमे, अर्थात डॉक्टर स्वयं स्वास्थ्य रूप नहीं परिणमता। डॉक्टर तुमको दवाई देता तो डॉक्टर निमित्त, डॉक्टर के निमित्त से मरीज ठीक होता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो डॉक्टर स्वयं स्वास्थ्य रूप नहीं परिणमता, तो डॉक्टर दवाई दे देता है तो दवाई के निमित्त से तो ठीक हो जाते हैं, दवा के निमित्त से तो ठीक होते हैं, कि दवा भी स्वास्थ्य रूप नहीं परिणमती। ध्यान से सुनना, निमित्त किसको कहना? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। सोनी ने गहने बनाए, स्वर्णकार ने गहने बनाए, लेकिन स्वर्णकार स्वयं गहना नहीं बना। बराबर। पेट्रोल के निमित्त से मोटर चली, ऐसे बोले पेट्रोल के निमित्त से मोटर चली, तो पेट्रोल स्वयं मोटर रूप नहीं होता, उसके चलने रूप नहीं होता, है ना। लेकिन बोलने में आता है पेट्रोल के निमित्त से मोटर चली, तो पेट्रोल मोटर चलाने का करता है कि नहीं? क्योंकि वो स्वयं मोटर चलने रूप नहीं परिणमता ना। मोटर चलने रूप तो मोटर ही परिणमती है, पेट्रोल तो नहीं परिणमता। पेट्रोल तो डब्बे उसमें रहता है, उसका इंजन जो क्या कहलाता है, उसकी टंकी टैंक में है ना, पेट्रोल टैंक में रहता है वो। तो काम कैसे हुआ कि वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। कुमार ने घड़ा बनाया तो कुमार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ। बराबर। मास्टर के गुरु के निमित्त से विद्यार्थी को ज्ञान हुआ, शिष्य को ज्ञान हुआ, लेकिन वो शिष्य के ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ। इसकी चर्चा हो गई थी अपनी। इसका मतलब एक है कि गुरु निमित्त है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बराबर। जिम्मेदारी तो आपकी है नहीं,
बराबर। देखो अभी क्या हुआ, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे, एक अर्थ, एक लाइन का अर्थ हो गया। आगे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अर्थात काम होने में, काम होने में माने रोगी के स्वस्थ होने में ये काम हो गया है ना, तो रोगी के स्वस्थ होने में अनुकूल होने का आरोप डॉक्टर पर आएगा कि इंजीनियर पर आएगा कि वकील पर आएगा, बराबर। तो अब डॉक्टर पर अनुकूल होने का आरोप आएगा और किसी पर आरोप नहीं आएगा, ठीक है। तो अनुकूल होने का, कार्य की उत्पत्ति होने में, लड़के का MBBS डॉक्टर बनना एक कार्य की उत्पत्ति, और डॉक्टर बन गया तो उस डॉक्टर बनने में अनुकूल होने का आरोप LLB कॉलेज पर आएगा कि कॉमर्स कॉलेज पर आएगा कि मेडिकल कॉलेज पर आएगा, ये तो बहुत सरल बात है। माने मेडिकल कॉलेज पर आरोप आएगा, आरोप, आरोप समझ गए, आरोप माने अपने को लगता है वो नहीं समझना, अपराध नहीं समझना, आरोप माने उसका श्रेय किसको जाएगा, उसका श्रेय, आरोप माने उसका श्रेय किसे जाएगा कि वो यदि कोई स्वस्थ होगा या डॉक्टर बनेगा तो उसे अनुकूल होने का आरोप डॉक्टर पर जाएगा, वो मेडिकल कॉलेज पर जाएगा डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल कॉलेज, बराबर। आगे, परंतु कार्य की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति माने गहना बनना, एक कार्य की उत्पत्ति, ये सब चर्चा हो गई है ना। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, आरोप ए कर्ता केलावे नहीं, कर्ता है ऐसा नहीं कहा, कार्य की उत्पत्ति में कर्ता बनता है ऐसा नहीं बोला, कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कर देते हैं, देवशास गुरु कर देते हैं ऐसा नहीं कहा, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, अभी अनुकूल होने का अर्थ सुनो, पहले अच्छी तरह से समझ लो कि प्रतिकूल निमित्त कोई होता ही नहीं। पहले नंबर ना की करो, दुनिया में प्रतिकूल निमित्त कभी नहीं होता, बराबर। फिर से बोल दिया मैंने, ए एक आदमी को मरने के लिए जहर अनुकूल है कि प्रतिकूल निमित्त है, है? हाँ, मरने के लिए अनुकूल है ना, तो मरना काम, मरना कार्य, और मरने जैसे कार्य की उत्पत्ति में जहर अनुकूल है, बराबर है कि नहीं। तो बिच्छू काट खावे तो अनुकूल की प्रतिकूल है, बिच्छू काट खावे ना, सांप काट खावे तो अनुकूल की प्रतिकूल, कि सुनो वो जो आपको यहां दर्द होगा ना उसके लिए अनुकूल। देखो एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर अनुकूल या प्रतिकूल आपके इंटेंशन के हिसाब से नहीं चलता, यहां तो कार्य की उत्पत्ति में, वर्ड क्या है यहां पर, कार्य की उत्पत्ति में, आप तो ये बताओ कार्य कौन सा हुआ उस कार्य में अनुकूल है, बराबर। बोलो जिस आदमी को कुएं में गिर करके आत्महत्या करनी हो तो कुआ अनुकूल की प्रतिकूल, अनुकूल है, और रेल के नीचे मरना हो तो रेलगाड़ी अनुकूल की प्रतिकूल, अनुकूल, बराबर। ध्यान से सुनना, तीन लोक में एक भी पदार्थ प्रतिकूल नहीं है, इसीलिए हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि हमें मिथ्यात है, मिथ्यात माने विपरीत मान्यता, और विपरीत मान्यता माने हम निमित्तों को प्रतिकूल मानते हैं और उन निमित्तों को हटाना चाहते हैं। और गुरुदेव श्री का यही कमाल है कि उन्होंने पूरे 45 बरस ये शिक्षा दी कि निमित्तों से दुखी नहीं होते, निमित्तों से दुखी नहीं होते, निमित्ताधीन दृष्टि से दुखी होते हैं, समय निमित्त से दुखी नहीं होते, निमित्ताधीन दृष्टि से दुखी होते हैं। हम क्या करते हैं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठे मन की वृत्ति है, वृत्ति वृत्ति नेचर, आदत, हैबिट, गंदी आदत। तीन लोक में कोई भी पर पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, ए अभी तो हम बोल रहे थे प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल तो है कि नहीं, अनुकूल तो है कि नहीं, कुआ मरने के लिए अनुकूल है कि नहीं, कि सुनो कोई मर जाए तो अनुकूल, नहीं मरे तो उसे भी
नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुआं में गिर पड़े लेकिन नहीं मरे। तो कुआं अनुकूल नहीं, निमित्त अनुकूल भी नहीं, प्रतिकूल भी नहीं। अच्छी तरह समझना, निमित्त अनुकूल भी नहीं और निमित्त प्रतिकूल भी नहीं। तो कब कि कार्य हो जाए उसके लिए अनुकूल का आरोप। मास्टर लड़के को डॉक्टर बनाने के लिए अनुकूल है कि नहीं? कि डॉक्टर बन जाए तो अनुकूल होने का, समझ आया? नहीं, देखो क्या कहें, ये हम अभी तक सुखी होने के लिए हमें ऐसा लगता है कि पैसा से सुख होता है, इसीलिए हम पैसा पैसा कमाते हैं। एक दृष्टांत है, तो स्वर्ग में जाना चाहते हो कि नरक में जाना चाहते हो? अभी मोक्ष को अभी एक तरफ रखो, अभी नरक और स्वर्ग की बात कर लेते हैं, क्यों? डायरेक्ट मोक्ष तो अभी होता नहीं है ना, अभी तो नहीं होता ना, तो कहां जाने का? स्वर्ग की नरक की स्वर्ग। तो हम पूछते हैं स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? सुनो, क्योंकि तुम्हें लगता है स्वर्ग सुख का निमित्त है, पुण्य का उदय सुख का निमित्त, पुण्य सुख का निमित्त है। लेकिन रुको, उस पर तो अनुकूल होने का आरोप आएगा, आरोप आएगा अनुकूल नहीं है। नहीं आया समझ में? मैं अब दृष्टांत दूं, देखो एक दुनिया में कोई भी पदार्थ परमानेंट निमित्त नहीं है। देखो अपन ने शादी की थी तो सुख का निमित्त समझ के किया था कि दुख का निमित्त समझ के किया था? जब मैरिज की थी ना, हमने शादी की थी तो बहुत आपने इंटरव्यू लिया था, बहुत तपास की थी, बहुत मेहनत की थी, और फिर जिस दिन शादी हुई उस दिन तो आपने अपने आप को विश्व का नंबर वन गुड लकी माना था, ये तो सभी के लिए साथ है ना, माना था। अच्छा, तो ये सुख का निमित्त था कि नहीं? पत्नी थी तो अभी पत्नी परमानेंट सुख का निमित्त है नहीं? परमानेंट। अब देखो क्या गजब बात, अब तुम दुखी हो गए, अब तुम दुखी होने लगे तो अब तुम कहते हो मैं इससे परेशान हूं, इससे परेशान हूं, इससे परेशान हूं, ठीक है? तो हम फिर पूछते हैं तो पत्नी सुख का निमित्त है कि दुख का निमित्त है? बताना तो यही है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन की वृत्ति है, ये गलत, इसका नाम मिथ्यात्व, वृत्ति में मिथ्यात्व, क्योंकि तीन लोग में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। समझ में आया? चलो, तो अब अभी पत्नी सुख का निमित्त कि दुख का निमित्त? कि तुम सुख रूप अनुभवते रहो तो सुख का निमित्त, और तुम दुख रूप अनुभवते रहो तो दुख का निमित्त। आरोप आरोप, बराबर आरोप ध्यान रहेगा। देखो, पत्नी पति को लाख राजी करना चाहे, प्रसन्न करना चाहे, लेकिन जब पति का मूड ऑफ हो, अब देखो क्या करे, पति का ही मूड ऑफ है देखो, तो स्त्री कितना भी सोचे कि हम पति को राजी करें, प्रसन्न करें, तो पति को क्या अच्छा लगता है? जब बहुत मूड खराब हो तो पत्नी ने सोचा कि इसे प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया अपन मिठाइयां बनाओ, घी की अच्छी अच्छी मिठाइयां। अब उसने बढ़िया कढ़ाई चढ़ाई और मिठाइयां बनाई बढ़िया फर्स्ट क्लास, अब उसकी सुगंध फैली, तो इसका तो मूड खराब था, इसको क्या लगता है कि देख मैं दुखी हूं तो ये मालपुआ बना बना के खा रही है बढ़िया, देखो इसको खाने पीने की सूझ रही, मैं टेंशन में हूं, मैं नाराज हूं, मैं दुखी हूं, और ये देखो कितना कितना खर्च करते हैं हम, कमा कमा के परेशान हैं। बोलो, उसने सोचा पति देव राजी हो जावे तो बढ़िया रोटी में बढ़िया घी लगाओ खूब खूब, और वो क्या, देखो इतना इतना घी खर्च करते हो, जब ही तो मैं कमा कमा के मरा जा रहा हूं, और देखो अब क्या करेगा? तो देखो पत्नी को राजी, पत्नी पति को राजी करने के मूड में है पूरे, जो उसको अच्छा लगता है वो करने की कोशिश में है, लेकिन वो दुखी है। बताओ, माने पत्नी का कौन सा परिणमन तुम्हें सुख में निमित्त बन सकता है? बोलो। उसने कहा ठीक है, तो आप शाम को आप रूखी रोटी खाना, हम घी नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे, है ना? शाम को बिल्कुल कम, अब सब्जी भी बिगड़ गई कम घी में, वो टेस्ट तो रहा ही नहीं उसमें, और रोटियों में भी घी कम, सही बात है, हमें क्यों खिलाएंगे, सब आप अकेले अकेले खा जाओ। वो कहीं चैन नहीं, माने वो कहीं चैन नहीं। मैं फिर कहता हूं, कौन सा परिणमन भी हमें सुखरूप होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, गजब बात है। कौन सा परिणमन हमें दुख रूप होगा ये भी क्या कह देवे। बोलो, अरे रे, यहां हम मूड ऑफ हो हमारा, और सामने जैसे स्कूल में ऐसा होता है, मास्टर जी घर से लड़ झगड़ के आए, मूड खराब,
अब विद्यार्थियों से बोला होमवर्क लाओ, जरा एक सेकंड देर लाने में हो गई, क्यों पढ़ते नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, उसकी पिटाई कर दी कि गुरुजी लेकिन मैंने तो पूरा होमवर्क कर लिया, एक कॉपी हर कर लिया तो क्या तीर चला दिए, कर दिया तो कोई ऐसा नहीं, रख दो यहां कॉपी। तो लेकिन जबरन का बम्बावर्ड क्यों करते हो हम, नहीं आप देखना, माने सामने वाला सही काम भी कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है पिताजी नाराज होते हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल, तो कुछ नहीं इसी बात पर नाराज है, ठीक से क्यों नहीं पढ़ता है, अरे लेकिन वो पढ़ रहा है भाई, याद कर रहा है वो, है 80% नंबर आ गए, 80% आ गए तो क्या हुआ, लड़के तो 90-95-95 लाते हैं। अरे मेरा मतलब तो समझ गए होगे कि कोई भी परिणमन अनुकूल है कि नहीं, कि तुम अच्छा मान लो तो अनुकूल है, बाकी तो कोई अनुकूल नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है अच्छी शिक्षाएं देते जाओ तो भी शिक्षा नहीं ले पाता, और कभी उल्टा हो जावे विपरीत और शिक्षा मिल जाती है। पिताजी बहुत बोलते थे बेटा देखो उधार माल नहीं बेचना, ऐसा जो भी शिक्षाएं देते हैं, सड़क पर ऐसे चलना, बहुत शिक्षाएं देते थे, बेटा पैसा बचा के चलो, बेफिजूल की खर्ची मत करो, लेकिन बच्चे समझ में नहीं आती थी। और पिताजी ने शिक्षा देना बंद कर दी, बात करना ही बंद कर दी, बोलना ही बंद कर दिया, और एक दिन कोई घटना घटी फिजूल खर्ची में, खुद ही को नुकसान हुआ, कोई तकलीफ हुई, खुद ही को कोई तकलीफ हो गई, अब याद आई अरे पिताजी ठीक कहते थे। देखो क्या गजब बात है, तो कौन सा परिणाम अनुकूल कहें और कौन सा परिणाम प्रतिकूल कहें, बहुत उपदेश सुनने वाले को ना सुधर पाए, और कदाचित कोई एक आध अचानक घटना घट जावे सुनने वाला सुधर के मोक्ष में चला जाए, किसको निमित्त कहें, परमानेंट निमित्त किसको कहें, समझ आए, माने अनुकूल नाम का कोई निमित्त है ही नहीं। देखो इतनी देर में आपने सुन लिया, अब फिर से सुनना, मैं फिर से पूछता हूं, दुनिया में कोई अनुकूल निमित्त है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो नहीं, ध्यान से सुनना। लेकिन हम तो रोज उपदेशों में सुनते हैं कि निमित्त जुटाना चाहिए, अच्छे निमित्त मिलाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते, अच्छे निमित्त मिलाएं तो काम हो जाएगा, सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग में रहने से कल्याण होता है, होता है कि नहीं होता है, निमित्त जुटाया कि नहीं जुटाया, मुझे बुलाया आपने तो निमित्त जुटाया कि नहीं, पंडित जी के निमित्त से, प्रवचन के निमित्त से इतनी भीड़ आएगी और सुनेगी समझेगी लाभ लेगी, क्यों, अब बोलो निमित्त से काम होता है कि नहीं, ये तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, बोलो गुरुदेव श्री के निमित्त से पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी भूचाल आ गया, लोगों को रुचि लग गई, लोगों ने धर्म में लग गए, स्वाध्याय में लग गए, मंदिर बन गए और लाखों करोड़ों शास्त्र छप गए। हाँ भैया कौन के निमित्त से, हाँ बोलो बोलो अब बोलो, तो गुरुदेव श्री अनुकूल हैं क्या नहीं, ठीक है, तो कार्य हुआ तो, अब ध्यान से सुना, कार्य हुआ तो अनुकूल होने का आरोप उन पर आ गया। अच्छा सही सही बताओ, गुरुदेव श्री ने कितने समय सारजी प्रिंट किए और कितनी स्टाल लगाई गुरुदेव श्री ने और कितना बेचा, वे तो कभी ये भी नहीं बोला कि ये तुम बनवाओ कि छपाओ कि खरीदो कि बेचो, कि कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं। लेकिन अब देखिए, लेकिन सुनना, ग्रंथ छापने वाला छाप रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, और गुरुदेव श्री तो उनसे बिल्कुल निष्प्रय अलग थे ना, फिर भी अब नाम किसका प्रसिद्ध हुआ, गुरुदेव श्री का, है ना, समझ में आया ना, कहने का मतलब क्या निकला कि इस तरह से निमित्त पने का आरोप आता है, ठीक है, तो निमित्त कार्य का कर्ता है कि नहीं, निमित्तों से काम होता है कि नहीं, यहां थोड़ा बैलेंस रखना बस, निमित्तों से काम होता है नहीं होता, और निमित्त करता है कि नहीं, निमित्तों से होता नहीं, निमित्त करता नहीं, लेकिन जब कार्य होता है तो अनुकूल होने का आरोप उन पर आता है। इतनी बात समझ में आ गई, अब मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना, जब अपने को निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं है
तो मिलावे ऐसी बात क्यों करती है? देखो मैं विरुद्ध प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, सभी लोगों को दिमाग में है बात कि हमें 24 घंटा जो कुछ दिखाई देता है वो निमित्तों से काम होता हुआ दिखाई देता है। बिना पेट्रोल के मोटर नहीं चलती, हमें पेट्रोल से मोटर चलती दिखती है और आप निमित्तों का मना करते हो। क्या चीजें कागज कटता हुआ दिख रहा है बिल्कुल और आप मना करते हो? नहीं, स्कूल के निमित्त से बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे, विद्वान बन रहे, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और आपके प्रवचन से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं निमित्त से काम नहीं होता। मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इतना ही नहीं, जिन वाणी में निमित्त से कार्य होता है, निमित्त पर कार्य करने का आरोप जाता है, ऐसे कथन भी 99.99%। सुनना फिर से क्या कहा? निमित्तों से कार्य होता है, निमित्तों से काम होता है, निमित्त की कृपा से काम होता है, गुरु की कृपा से काम होता है, ऐसे कथन भी अन्यत्र नहीं। जिन वाणी में 99% लिखे, समझ में आ रही है आपको? एक गुरुदेव श्री हो या हम ये जो प्रवचन कर रहे हैं या ये जो जिनवाणी चल रही है, इसको समझाना कितना कठिन, क्योंकि सारी दुनिया को निमित्तों से काम दिखाई दे रहा है। नहीं क्यों? काम बिगड़ रहा हो तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, काम हो जाता है कि नहीं हो जाता? रिश्वत से हो जाता है, पूरी दिमाग में है बिल्कुल कि नंबर दो में सब काम हो जाता है आजकल। पंडित जी नंबर दो में सब काम हो जाता है क्योंकि अपने लगता है निमित्त से काम होता है। अभी ध्यान से सुनना, जिनवाणी में 99% उपदेश की शैली निमित्त से काम होने की है, लिखा ही है। आप पुराण माचो, प्रथमान युग का पुराण माचो, क्या लिखा है? और आदिनाथ भगवान वो जो राज कर रहे थे, वो राज्य से सुखी थे, अपनी पत्नियों से सुखी थे, अपने बच्चों से सुखी थे, इतने 83 लाख पूर्व तक सुख से राज्य करते रहे। भाषा ऐसी लिखी है बिल्कुल है। शांतिनाथ भगवान 6 खंड के भोग करते हुए सुख से रह रहे थे, लिखा है देखो, पूरा प्रथमान युग। नरक में जीव दुखी है, नरक से दुखी है, नरक के निमित्त से दुखी है, कर्मों से दुखी है, लो कर्णान युग, पूरा का पूरा कर्णान युग। कर्णान युग समझते हैं, जिसमें कर्मों का वर्णन है, परिणामों का वर्णन है, बंध का वर्णन है, 4 गति का वर्णन है, सिद्धालय का भी वर्णन है। इन परिणामों से दुखी और इन परिणामों से सुखी होता है, ऐसा वर्णन कर्णान युग में लिखा है पूरा का पूरा। चरणान युग में तुम पानी छान सकते हो, पानी छान कर पिया करो, नहीं शुद्ध भोजन किया करो, अच्छा बोला करो, तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 3 अनियोग है ना, 3 कौन कौन से हो गए? प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, ये तीनों के तीनों अनियोग निमित्ताधीन कथन, निमित्ताधीन कथन। आहा, तुम ऐसे परिणाम करोगे तो उससे स्वर्ग चले जाओगे, ऐसे परिणाम करोगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा। हे जीव तुम पुण्य बांध रहे हो, ये निमित्त के कथन है सारे सारे। अभी तो प्रश्न खड़ा किया है प्रश्न, क्योंकि लोगों को अभी बहुत आपत्ति हो सकती है, आप निमित्तों की बात को निषेध करते हो कि निमित्त करता है, निमित्त नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, निमित्त का कुछ भी काम नहीं है, और यहां तो निमित्त का 99% लिखा है। पकड़ में आई गई? ऐसी बुक भी आ गई गुरुदेव श्री के विरोध में कि ये सोनगढ़ वाले आगम विरोध बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देखो मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, बिल्कुल आगम विरोध बोलते हैं। ये देखो और पेज नंबर दिया उसमें, ये धवला जी में लिखा, एक गोमरसार जीव कांड में लिखा कि जीव कर्मों से दुखी है, जीव कर्म बांधता है, जीव अपने स्त्री पुत्र आदि को सुखी दुखी कर सकता है, लिखा है। बोलो नहीं? देखो गौतम स्वामी आए ना, गौतम स्वामी गढ़धर, गौतम गढ़धर, बोलो 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खीरी? छाप दिया उन्होंने बिल्कुल कि 66 दिन तक गौतम स्वामी नहीं थे, इसलिए भगवान महावीर स्वामी उपादान होने पर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो तो निमित्तों के भरोसे है, और निमित्त नहीं आता तो बिल्कुल वाणी नहीं खेरती। मैं प्रश्न खड़ा किया है, मैं जानबूझकर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। आपको ऐसे कोई भी प्रश्न हो तो आप नहीं समझ में आए तो पूछ लेना अच्छी तरह से कि भैया
निमित्त के मार्फत काम होता है, निमित्त से काम होता है। अपन उसका पूरा का पूरा ऑपरेशन करके देखेंगे कि काम होता है कि नहीं होता है। देखो एक गिलास है ना, गिलास इसमें दूध है बराबर। अभी चम्मच हिलाने से दूध मीठा होता है कि नहीं होता है, और गिलास में ऐसे ऐसे करने से दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा उसमें शक्कर डाल देवे तो मीठा हो जाता है? नहीं होता है। अब बोलो क्या कहना है? नहीं समझ आया। अब मैं पानी का दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा, दूध में थोड़ी गड़बड़ होती है। एक लीटर पानी और एक किलो शक्कर दोनों मिक्स कप करके उबाल दिए गए, बोलो तो सारी शक्कर खत्म हो गई और सारी शक्कर पानी में हो गई तो पानी मीठा हो गया। ये तो सबको मालूम है पानी मीठा हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि शक्कर के निमित्त से पानी मीठा हो गया। सच्ची है कि गलत बात है? अरे सच्ची है, गलत है। शक्कर के निमित्त से पानी मीठा हो गया। अब देखो गजब बात, अभी गजब बात देखो। ऐसा कहना व्यवहार नहीं, और व्यवहार नहीं है 99.99%, और पूरी जिनवाणी में लिखा है। अभी अपन देखते हैं लेबोरेटरी में चलकर, कांच की वो लगा देते हैं, लगाते हैं नली वगैरह, लगाते हैं ट्यूब वगैरह लगाते हैं ऐसे, और नीचे वो सारे जार देते हैं। अभी इधर से हम पानी गर्म कर रहे हैं, मीठा पानी, एक लीटर पानी, एक किलो शक्कर, और दोनों उबल रहे हैं, और उसकी भाप भाप बनकर के पानी इस बर्तन में इकट्ठा कर लिया हमने। अभी आप बताना कि ये जो पानी इस साइड आ गया है भाप बन करके, ये मीठा है कि फीका है? हैं? कैसा होगा पानी, कैसा होगा, मीठा कि फीका? अच्छा और इधर क्या बच जाएगी, कितनी शक्कर बच जाएगी? पूरी। तो आप स्थूल दृष्टि से आपको पानी और शक्कर का डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा था, आपको ऐसा लगता था पानी और शक्कर दोनों एक हो गए हैं, पानी मीठा पानी मीठा पानी मीठा। लेकिन रुको, हमने तो ये टेस्ट करके देखा है। माताएं बूरा बनाती हैं, सारा पानी उड़ जाता है, शक्कर शक्कर रह जाती है, तो पानी तो मीठा हुआ ही नहीं। अब ये है साइंस, स्थूल दृष्टि से देखें तो पानी का और शक्कर का एक साथ स्वाद लेने से हमें लगता है कि मानो पानी मीठा हो गया है, दो को एक साथ लेने से। लेकिन पानी बिल्कुल मीठा नहीं हुआ, ये साइंस कहता है बराबर। फिर से ए पानी अलग कर लिया तो वो फीका हुआ कि पानी शक्कर के संग रह करके भी फीका था? ये सूक्ष्म दृष्टि, ये निमित्त उपादान की सूक्ष्म दृष्टि है। अरे नहीं, यहां भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का काल आया, यहां उपादान का काम हुआ, यहां काम हुआ इधर, और उधर निमित्त का मिलना हुआ, तो तुमको ऐसा लगता है कि मानो निमित्त से काम हो गया। बराबर समझ में आया? आगे चलो। ए तो फिर निमित्त से दुखी तो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कर्म के उदय से जीव दुखी है कि नहीं? कर्म के उदय से जीव दुखी है कि नहीं? ये तो सारी दुनिया कहती है जीव कर्म से हैरान है ना, कर्म के उदय से दुखी, मेरे पाप का उदय आ गया। नहीं, अब फिर से सुनो, फिर से देखो, तो ये कर्म के निमित्त से काम हुआ कि नहीं हुआ दुख का काम? अपन लगा के देखते हैं कि एक अपने को कोई मार देवे चांटा तो अपने को दुख होता है कि नहीं होता है? तो चांटे के निमित्त से दुख हुआ ना, प्रॉब्लम नंबर वन। अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड, क्यों कोई हमको गालियां देवे तो दुख होता है कि नहीं होता है? तो इसकी गालियों के निमित्त से ही दुखी हुए ना हम, तो निमित्तों से काम हुआ ना, हुआ कि नहीं? अरे बोलो। अपन एक काम करते हैं, एक काम, यदि निमित्तों से दुख होता हो तो जितने लोग वहां गालियां सुन रहे हैं उन सबको दुख होना चाहिए। अब बोलो क्या फैसला है आपका? इतने लोग बैठे हैं और एक आदमी खड़ा खड़ा गालियां दे भी वहां से, तो कौन दुखी होगा इनमें से? अरे आप तो कहते हो गालियों के निमित्त से दुखी होते हैं, आप तो बोल रहे गालियों के निमित्त से दुखी होते हैं, तो फिर दुखी होना चाहिए ना। अब कोई बात नहीं, एक घंटे बाद अपन उठे
और तब उसने कहा इशारा करके ये है भाई, ये है वो। हाँ, अब क्या हुआ भैया? वो एक घंटे की गालियां सुनते समय दुख नहीं हुआ, लेकिन अब ये गालियां मुझे दी गई हैं। हम फिर पूछते हैं, गालियों से दुखी हुए कि मुझे दी गई इससे दुखी हुए? अब मैं कहता हूं, तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि आत्मा हो? उसने तो सुमत प्रकाश को गाली दी, लेकिन सुमत प्रकाश तो मैं हूं ही नहीं। नहीं, क्यों? सुमत प्रकाश को गाली दी, लेकिन मैं तो आत्मा हूं ना। आप कौन दुखी होगा? अच्छा, चलो सुमत प्रकाश को गाली दी और मैंने मान भी लिया कि मैं सुमत प्रकाश हूं, ध्यान से सुनना, लेकिन उसने गालियां दी और एक आई सुमत प्रकाश चोर है, बदमाश है, ऐसा बहुत जोर जोर से बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने क्यों, तो हमको क्यों गाली दे रहे हो? कि नहीं नहीं, तुम सुमत प्रकाश को नहीं, सेकंड सुमत प्रकाश और है बोरीवली में एक। किसको गाली दे रहे? बोरीवली में एक सुमत प्रकाश है, उसको दे रहे। अब हमें कितना दुख होगा? हे भगवान, तो फिर गालियों के निमित्त से दुखी कहां हुए तुम? अब नक्की तो करो, यदि हमारी पिटाई करने से हम दुखी होते हो तो फिर मुनिराज पर उपसर्ग होते हैं, तब भी दुखी क्यों नहीं होते? इससे सिद्ध हो गया कि निमित्तों से सुख दुख का संबंध नहीं है। यदि निमित्तों से सुख दुख का संबंध हो तो कोई नुकसान है क्या? ना मान, चलो सुख मान ही लेवे और दुख मान लेवे तो कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यदि निमित्तों से सुख दुख मान लेंगे तो एक भी जीव मोक्ष में नहीं जा पाएगा, एक भी जीव मोक्ष में नहीं जा पाएगा। क्योंकि कारमांड बरगणा, निमित्त है ना, कारमांड बरगणा, वे वहां भी मौजूद हैं, और यदि वे सिद्ध भगवान को बंधन करा दें, शरीर दे देवे, तो सिद्ध भगवान कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, सिद्ध भगवान रह नहीं पाएंगे। लेकिन गजब घोषणा है, गजब, कि तीन लोक में किसी निमित्त में किसी भी द्रव्य में किसी भी पर्याय में मुझे दुखी करने की ताकत नहीं है, किसी गाली में ऐसी ताकत नहीं है कि मुझे दुख रूप परिणमित करा देवे, और कोई सामग्री ऐसी नहीं जो मुझे राग उत्पन्न करा देवे, और तीन लोक में कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो मुझे द्वेष उत्पन्न करा देवे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे कि अब मैं राग करूं तो स्वयं करूं, और द्वेष करूं तो स्वयं करूं, और जब राग द्वेष स्वयं करूं तो मिटाऊं भी तो स्वयं मिटाऊं। नहीं, न्याय से यदि राग निमित्त से राग उत्पन्न होता है, कर्म से जीव दुखी होता है, तो कर्म कब जाएंगे बताइए? कब जाएंगे कर्म? कब चले जाएंगे मालूम? फिर क्या होता? फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन जब लिखते हैं तो ये लिखते कि हे जीव, तुम तो निर्दोष हो, क्या करें, कर्म है ना, ये जाए तो फिर क्यों, किसका ध्यान करना पड़ेगा, आत्मा का कि कर्म का? बैठे बैठे किसका ध्यान करना पड़ेगा? ऐसे बैठे, हे भगवान, मैं तो निर्दोष परमात्मा हूं, लेकिन ये कर्म के निमित्त से दुखी हूं, ये कर्म पता नहीं, तो फिर कर्मों का लक्ष्य करना पड़ेगा। फिर तो पूरा जैन शासन ही उल्टा हो जाएगा, पूरा जैन शासन उल्टा हो जाएगा, क्यों? कर्मों का ध्यान करें। और गजब बात तो यह है, दुख की बात यह है कि कर्मों में ज्ञान नहीं है, कर्मों में ज्ञान नहीं है। अब बताओ, तो अब हम कर्मों से कैसे छूटेंगे? कर्मों को ज्ञान है नहीं, सुबह छोड़ेंगे नहीं, और कर्मों से अपन दुखी बने रहेंगे नहीं है? क्यों? यदि जगत के पदार्थ हमें राग उत्पन्न करा देते हैं, निमित्त से काम होता है ना, निमित्त से काम, तो जगत के पदार्थ हमें राग उत्पन्न करा देते हैं, तो इसका मतलब मुझे वीतरागी होने के लिए सबसे पहले जगत का नाश करो। नहीं, नहीं समझ आया, यही तो आतंकवाद का जन्मदाता है ये विचार। क्या लगता है कि ये जो ईसाई हैं, ये जो अमेरिका वाले हैं, ये हमारे धर्म का नाश करते हैं, ये हमारे इस्लाम के विरुद्ध हैं, तो इन सबको मार डालो। ये आतंकवाद पैदा कैसे हुआ? कि हम निमित्तों से परेशान हैं, यही हुआ ना। यदि ये नहीं होंगे ईसाई और ये लोग नहीं होंगे तो हमारा इस्लाम पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो निमित्तों को बुरा मान करके निमित्तों को मिटाने की चेष्टा, यही तो आतंकवाद हुआ। समझ आ गया वह दृष्टान? और अभी हम क्या करना चाहते हैं बताओ? अभी हम पूछें, क्यों आप धर्म कर सकते कि नहीं? देखना तुम्हारा आतंकवाद कि पंडित जी आप धर्म कर सकते हो, हम थोड़े ही कर सकते। बोले क्यों? कि घर में पत्नी है, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक तो उसका राग रहेगा ही, क्यों? और फिर बच्चे हैं, फिर व्यापार है, कपड़े हैं, तो राग तो रहेगा ही।
सुनो, जैन शासन कहता है निमित्तों के कारण राग नहीं होता, निमित्तों से कार्य नहीं होता। क्यों? कि एक दिगंबर मुनिराज, उन्होंने स्त्री छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, कपड़ा भी छोड़ दिया, जंगल में रहते हैं, और तब भी जैन शासन कहता है कि वे वीतरागी नहीं हैं। कब तक वीतरागी नहीं हैं? क्यों? जब तक कि उन्हें यह लगता है कि मैंने निमित्तों को छोड़ दिया इसलिए राग छूट गया। क्या कह रहे हैं? उन्हें यदि यह लगता है कि मैंने निमित्त छोड़ दिया, संयोग छोड़ दिया, स्त्री पुत्र आदि छोड़ दिए, कपड़ा छोड़ दिया, इसलिए अब मैं वीतरागी हो गया, ऐसी बुद्धि होए तो वीतरागी नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोग में कपड़ा छोड़ दिए लेकिन स्त्री तो अभी भी दिखेगी, टॉकीज के पोस्टर तो अभी भी दिखेंगे, अभी आलू की खुशबू तो अभी भी आएगी चाट पकौड़ी की, अब क्या करेंगे बोलो? और निमित्त से काम हो ही जाता है, नहीं निमित्त से काम हो ही जाता है, तो चाट पकौड़ी तो रागी बनाएगी, अब बोलो हम क्या करें? बोलो, वो पिक्चर के पोस्टर तो हमें रागी बनाएंगे ही। अब मुनि बनने के लिए एक काम करो, सारे स्त्रियों के पोस्टर, सारे पिक्चरों के पोस्टर, और जो तुम्हारी क्या कहलाती है सब चाट पकौड़ी और जितनी दुनिया की चीजें बे सब हटाओ, क्योंकि नहीं तो निमित्त हमें रागी बना देगा, तो हमारी कोई गलती है ना? उलझ गई ना गाड़ी, देखो उलझ गई। इसीलिए जैन शासन कहता है कि तीन लोक में किसी में ताकत नहीं जो तुझे राग में राग उत्पन्न करा देवे, और इसीलिए दिगंबर मुनिराज उपसर्ग और परिचय के काल में भी किंचित मात्र भी राग रूप परिणमित नहीं होते। ये तुम उल्टी मान्यता छोड़ दो कि ये शत्रु है ना, ये मुझे द्वेष उत्पन्न कराता है, ये जो गालियां हैं ये मुझे द्वेष उत्पन्न कराती हैं, और जो स्त्री पुत्र आदि मेरे राग उत्पन्न कराते हैं, ऐसी बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टि हैं, निमित्ताधीन बुद्धि वाले हैं। बराबर समझ में आया? तो निमित्त से काम होता है कि नहीं? नहीं होता। ऐसा मानने से पुरुषार्थ हुआ। देखो एक बात कहता हूं मैं आपको, जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करना चाहते, ध्यान से सुनना बात, जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते वे अपनी जिम्मेदारी को दोषारोपण कर देते हैं, दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे जैसे दृष्टांत, एक लड़का फेल हो गया, फेल हो गया तो प्रसन्नता से घर आता है मार्कशीट लेकर के, प्रसन्नता से पिताजी ने पूछा क्यों बेटे कैसा रिजल्ट रहा, कि पापा जी मैं फेल हो गया। और ऐसा नहीं बोलेगा मैं फेल हो गया, मालूम क्या बोले? पिताजी गुरुजी ने फेल कर दिया। देख क्यों निमित्त है ना, कापी किसने जांची थी? कापी तो टीचर ने जांची थी, तो फेल किसने करा? अरे बोलो ना। अब देख लेना बच्चे ऐसे ही बोलेंगे, सर ने फेल कर दिया, वो बहुत जलते थे ना, मैं उनकी ट्यूशन नहीं करता था ना। अब देख निमित्तों पे आरोप डाले जा रहा है वो, देख है ना। अब मान के चलो कि निमित्त बहुत जोरदार था, तो पिताजी ने कहा बेटा एक बार बताओ कि तुम तो ट्यूशन भी गए थे उनकी, मान के चलो ट्यूशन भी गए थे तुम तो उनकी, और तुमने उनको बहुत खुश किया था, बहुत पैसा भी दिया था, फीस भी दी थी, तो अब फेल क्यों हो गए? कि पिताजी बात वो नहीं है, बात यह है कि पेपर बहुत टफ था। अब देखो अब क्या करेगा, अब क्या उपाय? नहीं कि नहीं बेटा पेपर यदि टफ था तो और भी तो लड़के पास हो गए, तो तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की? कि नहीं पढ़ाई तो मैंने की थी, लेकिन उस समय मेरा मूड ऑफ था। अब क्या समझ गए होंगे मेरी बात, कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कार्य करने की जिम्मेदारी अपने उपादान पर नहीं लेते हैं, वे निमित्तों पर दोषारोपण करके बचना चाहते हैं। बता दें एग्जाम्पल बता दें कि पंडित जी जब प्रवचन सुनते हैं अपूर्व अवसर आदि, तो ऐसा लगता है कि कब विरक्त होके हम भी आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन अब लेकिन अब लेकिन आगे ना निमित्त पे आरोप आ गया ना, पहले तो स्त्री पुत्र आदि पे आरोप डाल दिया, और फिर स्त्री पुत्र आदि पे भी नहीं डाला मान के चलो, तो पंडित जी हम चाहते हैं कि आप जैसे निमित्त बने रहें, तो हम कल्याण करने तैयार हैं, आप तो यही एक आश्रम बना लो, पोदनपुर में आपको रहने की जगह करा देते हैं, और आप तो बस चलने दो। अभी क्या हुआ कि निमित्त रहेगा तो काम करेंगे, तो आपका काम निमित्ताधीन है, इसका मतलब ना यही तो निकला ना। पंडित जी जब आपके प्रवचन सुनते हैं तो एक महीना परिणाम बहुत जोरदार रहते हैं, पिछले साल भी आप आए थे तो महीना 15 दिन तक तो परिणाम बहुत अच्छे रहे, और फिर वो आप गए तो आपका निमित्त के साथ साथ आपकी वो धर्म पराधीन हो गया ना जी, धर्म पराधीन हो गया। नहीं देखो
निमित्तों से सुख मानने वाला, निमित्तों से धर्म मानने वाला निमित्तों को जुटाएगा, निमित्तों को बनाए रखना चाहेगा, और जब निमित्त जाएंगे तो दुखी हो जाएगा। यहां तो ये कहते हैं कि महावीर भगवान के निमित्त से गौतम गढ़धर का काम रुका नहीं। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया दीपावली के दिन, तो अब क्यों, निमित्त तो चला गया, महावीर भगवान तो चले गए, अब गौतम स्वामी क्या करें, अब क्या रोने लगे बैठ के, हे भगवान तुम थे तो बहुत आनंद था, तुम थे तो बहुत आनंद था, अब मेरा क्या होगा, ये नहीं हुआ। निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर, महावीर भगवान का स्मरण का लक्ष्य छोड़कर अपने उपादान की योग्यता में दृष्टि की, अपने उपादान की दृष्टि की, वे स्वयं मोक्ष में चले गए, उनको केवल ज्ञान हो गया, शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या शिक्षा लेने लायक है, निमित्तों को बनाए रखना, निमित्तों को मिलाना, निमित्तों को हटाना, या निमित्तों से सुख दुख मानना, नहीं। आहा, देखो भाई निमित्त तेरा भला बुरा नहीं करते। पहले तो मैंने आपको एक बात बता दी, निमित्त नाम की कोई चीज है नहीं। काम हो जाए तो आरोप आता है, काम होए तो आरोप आता है, बाकी निमित्त नाम की कोई चीज, यदि अपन मान लें कि निमित्तों से काम होता है, बता दें, मान लो कि निमित्त से काम होता है, हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं अभी प्रश्न, कि निमित्त से काम होता है, पंडित जी आप मानो चाहे मत मानो, कि देखो मैं आपको बिल्कुल शास्त्र की बात बताता हूं और फैसला आप करना। यदि निमित्तों से काम हो जाए तो इतने जम के झगड़ा मचेगा, लड़ाई झगड़ा, इतनी दुश्मनी होगी जिसकी हद नहीं होगी। ऐसे कैसे दुश्मनी होगी, निमित्त कर दे तो अपने क्या दिक्कत, कि मैं बताता हूं आपको। महावीर भगवान का समोसरण लगा और वहां पर बहुत सारे जीव समोसरण में सुनने आए, ध्यान से सुनना। अब महावीर भगवान ने एक को तो उपशम सम्यक्त दे दिया, एक को क्षेपसम सम्यक्त दिया, और एक को छायक सम्यक्त दिया, और एक को मिथ्यात दिया, नहीं चार जीवों चार चीज दी ना, तो अब ये चारों मिलकर के महावीर भगवान से झगड़ेंगे, चारों चारों में से छायक वाला नहीं झगड़ेगा समझ लो, लेकिन वो तीन तो झगड़ेंगे पक्के, समझना मेरा एक बात ध्यान से, वे तीनों झगड़ेंगे और थोड़ी देर बाद चौथा भी झगड़ेगा, मैं बताऊंगा बाद में, पहले तीन देखो कैसे झगड़ेंगे। कि मिथ्या जो मिथ्यात वाला है ना, मिथ्या दृष्टि है जी, अज्ञान वाला मिथ्या दृष्टि, भगवान के समोसरण में आकर के भी जैसे मारीची नहीं सुधरा, नहीं सुधरा, तो वो सबसे पहले आदिनाथ भगवान को पकड़ेगा कि तुम बहुत पक्षपाती हो, तुम बहुत पार्शलिटी करते हो, इसको तुमने सम्यक दर्शन दे दिया, और ये इसको उपशम सम्यक दे दिया, और इसको क्षोपसम दे दिया, और इसको छायक दे दिया, आप तीनों को एक जैसा नहीं दे सकते थे, जब आपको देना ही था, आपके हाथ में ही था, नहीं समझ में आया क्यों, नहीं मेरे हाथ में दूध हो, अपन चार जने दूध पीने वाले हो, और मैं बांटूं बंटवारा करूं, तो बराबर करना चाहिए कि कम ज्यादा करना चाहिए, हाँ? एक को तो बिल्कुल, एक के गिलास में दूध बिल्कुल नहीं दिया, और एक के गिलास में दूध दिया तो थोड़ा पानी मिला दिया, और दूसरे को दिया तो कम दिया, और तीसरे को दिया तो बिल्कुल मलाई मलाई दे दिया आपने, ये तो बोलो, हम मैं ऐसा करूं तो क्या करोगे बेबी, क्या करोगे बोलो, मैं ऐसा बंटवारा दूध का करूं तो क्या करोगे आप, कि आप कहोगे बड़े आए प्रवचन करने वाले, इतने बड़े पंडित बने फिरते हैं, त्यागी बने फिरते हैं, पक्षपात देखो कितना है, एक को ऐसा करते, एक को पानी देते, एक को दूध ही नहीं देते बिल्कुल। तो अब मैं पूछता हूं कि महावीर भगवान यदि सम्यक दर्शन के दाता हो, वे निमित्त से काम होता है ना, तो महावीर भगवान निमित्त, तो उनकी वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि आया, तो फिर किसी को सबको एक सा सम्यक दर्शन होना चाहिए, तीन प्रकार का नहीं होना चाहिए, उपशम क्षोपशम और छायक, तीन नहीं होना चाहिए, एक जैसा सम्यक दर्शन होना चाहिए, और फिर एक जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं रहना चाहिए। आप बोलो, आप झगड़ोगे कि नहीं झगड़ोगे, आप बोलो। अब छायक वाले को भी झगड़ा करवा देते हैं अपन, छायक वाला ये बोलेगा कि महावीर भगवान एक बात बताओ, मैं चार घंटे से बैठा हूं आपके पास, और चार घंटे बाद आपने कृपा की, आप मेरी फाइल पहले ही खोल देते ना छायक की, नहीं आई समझ में, नहीं मैंने जैसे कोई कलेक्टर के ऑफिस में काम कराने जाना पड़े अपने को, और काम तो कर देवे लेकिन लटका के करे, लटका के समझ गए, लेट करके झुलाते ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके भाषा में, हमारी भाषा ऐसे झूला मारते हैं, झोका देते, क्या झोला मुखा मार, ऐसे लटकाते रहते हैं, लेट लेट, अभी आओ कल आओ परसों आओ, ऐसे, अरे जब तुम्हें करना ही था,
नहीं तो आप पहले ही कर सकते थे ना, तो छाइक वाला भी कह सकता है मैं 6 महीने से आ रहा हूं। देखो निमित्ताधीन दृष्टि वाले एक थे महावीर भगवान के समो शरण में, खबर है आपको, वे पारसनाथ भगवान के समय में मुनि हुए थे, मस्करी गोसाल है ना, वे पारसनाथ भगवान के समय में दीक्षित थे, उनके समो शरण में भी थे, लेकिन एक निमित्त से काम नहीं हुआ उनका पारसनाथ भगवान से, सो उनकी आयु खूब थी। सो जब जब महावीर भगवान का समोसरण लग गया तो ये ग्लेड हो गए, चलो उधर उस निमित्त से काम नहीं हुआ तो इस निमित्त से काम हुआ, अब ये बैठ गए आकर के बिल्कुल समोसरण में, देखते रहे कि ये कब करवा रहे हैं मेरे को। पारसनाथ तो बेकार थे, उन्हें तो दिया ही नहीं कुछ, शायद ये कुछ देंगे, देखते रहे और भावना उनको तब भी नहीं हुआ, और इतने में ही वो गौतम स्वामी को लेकर आए, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा गढ़धर के अभाव में 66 दिन वाणी नहीं खिरी, और ये जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है जे गढ़धर बनेगा, हाँ धर्म में सत्य नहीं है, ये सब धोखा है, और उठ करके समोसरण से बाहर निकल गए। ये समस्या है, इसलिए भाई साहब निमित्त को कर्ता मानेंगे तो सबसे ज्यादा झगड़ा होंगे। आज मास्टर परीक्षा की कॉपियां जांचता है, कोई लड़का फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई टॉप करता है, कोई फेल होता है, कोई को सप्लीमेंट्री आती है, लेकिन मास्टर से झगड़ा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर बात हर व्यक्ति को मालूम है, हर माता पिता को मालूम है, हर विद्यार्थी को मालूम है कि मास्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। हमने जितनी एबिलिटी योग्यता के साथ लिखा, जितना परीक्षा दी है, जितना लिखा है, उतने नंबर मिले हैं, मास्टर का दोष नहीं, नहीं तो मास्टर से झगड़ा होगा, पक्की बात है। अब मैं आप फिर पूछता हूं आपसे कि आप निमित्तों को कर्ता मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते? और निमित्तों को कर्ता मानोगे तो तुम भी तो किसी के निमित्त बनोगे, नहीं नहीं आहा। मां के पास पांडव और दुर्योधन दोनों आशीर्वाद लेने पहुंचे कि हम युद्ध में जा रहे हैं आशीर्वाद, और मां ने दोनों को ही कहा विजयी भव। अब मैं पूछता हूं जो दुर्योधन मारे गए, कौरव मारे गए, तो फिर मां के आशीर्वाद की कृपा का क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों अब भी दूसरे जो जीत गए ना पांडव, वे आ गए, माताजी आपकी आशीर्वाद से हम विजयी हो गए, तुमने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, तो अब झगड़ा मचेगा कि नहीं मचेगा? थोड़े बहुत समय लेना है, इसमें तो इतना माल है कि अरे भाई तू निमित्तों को सुख दुख का करता मत मान, निमित्तों से राग द्वेष उत्पन्न होता है ये मत मान, इसका नाम अग्रहित मिथ्यात का त्याग। इतनी चर्चा में तो अग्रहित मिथ्यात छूट गया, क्योंकि हम पर से सुखी मानते हैं ना, पर से दुखी मानना ये अग्रहित मिथ्यात है। अग्रहित माने जिसे कभी ग्रहण नहीं किया, अग्रहित माने माने नहीं, ग्रहित माने ग्रहण किया, कभी ग्रहण नहीं किया। अनादि काल से लगता है कि मैं लड़का, तो शरीर के निमित्त से आत्मा पुरुष हो गया कि नहीं हो गया? शरीर का निमित्त शरीर पुरुष, और शरीर के निमित्त से आत्मा कौन हो गया? पुरुष हो गया। यदि ऐसा होता तो फिर आत्मा को स्त्री बनना पड़ेगा, आत्मा को पुरुष बनना पड़ेगा, और आत्मा को नपुंसक बनना पड़ेगा, लेकिन शरीर के निमित्त से आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं बनता। क्या चाहते हो बोलो? आत्मा को आप स्त्री पुरुष नपुंसक बनाना चाहते हो, या आत्मा इस स्त्री पुरुष और नपुंसक शरीर से भिन्न पूरा का पूरा परमात्मा बना रहे ऐसा चाहते? निमित्त से काम मानने में ये दिक्कत है। ये नहीं, अभी तो बहुत दिक्कतें हैं, आपको आएंगी धीरे धीरे, चर्चा आएगी। आया समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन पड़े तो बोलना। फिर क्या कहा कि निमित्त अनुकूल होने का आरोप आता है। अब मैं इसको पलट करके थोड़ी सी एक बात और कह देता हूं, देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि पंडित जी शायद निमित्त के विरोधी हैं, है? जिनवाणी में निमित्त लिखा है 99% लिखा है, और फिर भी पंडित जी जब देखो जब निमित्त के खिलाफ बोलते हैं, है ना, निमित्त से काम ही नहीं मानते, निमित्त का बिल्कुल भी कुछ नहीं मानते। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, निमित्त उपयोगी हैं, उपादेय नहीं। मैं अब इसी बात को समझा देता हूं, निमित्त उपयोगी हैं, उपादेय नहीं है।
समझा देते हैं। बोलो बाजे, एक लड़के की शादी करना है, लड़के की शादी, तो शादी में क्या क्या काम करवाना पड़ेगा भाई? विवेक क्या क्या काम करवाना पड़ेगा शादी करना है तो? बाजे बजवाने पड़ेंगे है ना, और मिठाइयां बनवानी पड़ेंगी, पांडाल बनवाना पड़ेगा, बराबर। और क्या करना पड़ेगा सब बता दो, कागज मिलवाना पड़ेगा, सब नक्की हो जाएगा, मिठाइयां संगीत सब होगा, बराबर। ध्यान से सुनना, बाजे के निमित्त से, पांडाल के निमित्त से शादी होती, ध्यान से सुनना, संगीत के निमित्त से, मिठाइयों के निमित्त से, मेहमानों के निमित्त से शादी होती है, बराबर। शादी में इतना काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है। चलो तो इन सब के निमित्त से शादी होती है ना। अभी अभी सुनो, 100% काम की लिस्ट बनाओ, 100% कार्य की लिस्ट, कि शादी करने के लिए क्या क्या करना है, 100% की लिस्ट बनाओ। अब अपन एक काम करते हैं कि 99.99% काम कर देते हैं, बाजे बुलवा लेते हैं, पांडाल लगवा देते हैं, मेहमान बुला लेते हैं, मिठाइयां बनवा लेते हैं और सब कर लेते हैं सब, केवल लड़का लड़की का एक 0.01% ओनली यस, वो दोनों बोलते हैं ना भावनों के टाइम्स, फेरे के टाइम बोलते हैं ना यस, कि तुमको लड़का मंजूर है, लड़का को पूछेंगे तुमको लड़की मंजूर है, कि वे दोनों 36 हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम। हाँ तो अब बोलो भैया कितने परसेंट शादी निपट गई अभी तक फिलहाल? नहीं बाकी, अरे भाई ऐसे बाजे बजे तो कितने परसेंट शादी निपटी, संगीत बजा तो कितने परसेंट, निमित है ना सब, निमित का काम हो गया ना, तो निमित का इतना काम हो गया तो क्या हुआ बोलो, कितने परसेंट निपटी आप बताओ, शादी कितने परसेंट निपटी? क्या गजब बात है, दुनिया में सबसे पहले आप कहोगे कि लड़का लड़की को नक्की करो, निमित्त तो आ जाएंगे, बाजे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे 10,000 के तो 200 के ठीक हैं, वो नहीं होगा नहीं माने मिठाइयां ज्यादा नहीं बनेंगी तो कम बन जाएंगी, नहीं बनेंगी तो चलेगा, लेकिन दोनों की राजी उपादान मुख्य मुख्य चाहिए, बराबर। अरे रे भाई ऐसे इस जीव ने आज तक आत्मा के उपादान की तैयारी की स्वीकृति नहीं की, योग्यता की स्वीकृति नहीं की, आत्मा की स्वीकृति नहीं की, जब जब किया तो दोषारोपण किया, ये निमित्त नहीं ना इसलिए धर्म नहीं कर पा रहा हूं, ये प्रवचन नहीं सुन पाता हूं ना इसलिए धर्म नहीं कर पाता हूं, ये मैं जंगल में नहीं जाता हूं ना इसलिए धर्म नहीं कर पाता हूं, ऐसे निमित्ताधीन तो देखा और निमित्त जुटाने की चेष्टा भी करी और एक दिन निमित्त भी जुटा लिए, नग्न दिगंबर शरीर हो गया, खान पान सुधर गया, कपड़ा छूट गया, परिवार छूट गया, जंगल में भी चला गया, लेकिन जैसे बाजे जुटा लिए, सारा सामान जुटा लिया, लेकिन यश नहीं जुटाई तो शादी कितने परसेंट? ऐसे आचार्य देव कहते हैं निमित्तों की अधीन दृष्टि रखने वाला वो सब कुछ करके भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आत्मा का अनुभव किए बगैर तेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या जुटाना, बोलो शादी करने के लिए सबसे पहले कि लड़का लड़की का नक्की करो, ऐसे ही सबसे पहले आत्मा का नक्की करो, आत्मा माने निमित्त नहीं अभी तो। साहब एक बात बताओ कि फिर बाजे बजेंगे कि नहीं? कि देखो यदि लड़का लड़की हां करेंगे तो बाजे भी बजवाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाजे का हम तिरस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बाजे वालों से लड़ने लगे, ए तुम तो शादी कराने में अकिंचित करो, हटो यहां से, और ये मिठाइयां वाले, ए मिठाइयां वाले तुम शादी क्या कराओगे, तुम भी भगो, पांडाल तुम भी हटो यहां से, असली शादी तुम थोड़ी कराओगे। देखो असली शादी वे नहीं कराएंगे लेकिन निमित्तों का आदर है, बाजे को सम्मान है, मिठाइयों को सम्मान है, मेहमानों को सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन अब लेकिन तो समझ गए, शादी तो इनसे 1% भी नहीं होगी। तो पंडित जी आप ही बताओ कि बाजे बजवाएंगे कि नहीं बजवाएंगे हम? कि देखो शादी कराओ तो बजवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिठाइयां बनवा लेना, मेहमान बुला लेना, सब कर लेना, लेकिन अब लेकिन लेकिन यदि लड़का लड़की ने हां नहीं करी तो काम नहीं चलेगा। ऐसी अब यहां समझ लो, ऐसे ही बीतरागी देव सास गुरु की निमित्त की खूब भक्ति खूब महिमा रहे, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, व्रत उपवास नियम संयम की खूब महिमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे चरणानियों के बाजे बजते रहें, आचरण के बाजे बजते रहें, कोई दिक्कत नहीं, और पुण्य की मिठाइयां भी बनती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस अब लेकिन तुम ये जानना कि मैं परिपूर्ण आत्मा, इससे भिन्न हूं, इससे मेरा काम होने वाला, इससे मेरा काम होने वाला नहीं है, तो फिर किससे होने वाला है? ये दृष्टि की बात है, वो ध्यान से सुनना। अब मैं फिर से बताता हूं, निमित्त उपयोगी हैं, बाजे की तरह, मिठाइयों की तरह उपयोगी नहीं, नहीं किसान उपयोगी नहीं है तो इनकी जरूरत क्यों है? क्या भी बताओ क्यों है? क्यों घोड़े की जरूरत है? घोड़ा नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, लेकिन घोड़ा होता है ना। ऐसे ही मोक्ष होने से पहले नग्न दिगंबर दशा होती है, होती है। और सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत, केला आता है ना, केला तो मैं छिलके का आता है, मैं छिलके का, तो इसमें केला कौन है? छिलका कि अंदर केला जो अंदर है, अंदर सफेद सफेद, असली केला कौन है इसमें से? अच्छा बताओ तो, छिलका खाते हैं नहीं खाते? तो छिलका कितना परसेंट खाते हैं? तो छिलका कितना परसेंट काम आता है? एक काम करो फिर, इसको शुरू से ही निकाल के लाओ वहां से, सड़क पर से जब खरीदो तो सारा छिलका फेंक के लाओ। कि नहीं पंडित जी? छिलका उपयोगी है, छिलका उपयोगी है, उपाधि नहीं। अच्छा मैं फिर पूछता हूं, तो छिलका कोई काम नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? तो आप मसल मसल के लाओ, कैसे लाओगे? बोले कैसे लाओगे? कि छिलके सहित केले का आदर करके लाना। क्या गजब, ध्यान से सुनना, छिलके को, केले को छिलका सहित आदर करके लाना, और फिर छिलके को उतार कर फेंक देना और केले को खा लेना। समझ में आ गई? ऐसे ही ये छिलका, इस छिलके का खूब आदर करना, इसका नाम चरणानी हो। अच्छा खिलाना पिलाना, शुद्ध शुद्ध, अच्छा माने अच्छे का मतलब वो नहीं तुम्हारा अच्छा माने शुद्ध खिलाना पिलाना, आदर इसका, आचरण इसका, सब कुछ इसका। लेकिन दृष्टि में यही रखना कि छिलके की कीमत नहीं है, खाना तो केला है। ऐसे ही इसका आनंद नहीं लेना, इसका घमंड नहीं करना, इसका मान नहीं करना, इसका वेदन नहीं करना, वेदन तो अंदर आत्मा का करना। यह हुआ उपयोगी और उपाधि का अंतर। अब मैं एक बात कह देता हूं, देखो मेरे प्रवचन सुनने में भी आपको तकलीफ क्यों आ रही होगी, मैं जानता हूं कि लोगों ने निमित्त को हे कर दिया। ध्यान से सुनना बिल्कुल, मैं ये अंतिम चीज समझा रहा हूं आपको। निमित्त गुरुदेव श्री ने, ध्यान से सुनना बिल्कुल, गुरुदेव श्री ने निमित्त को हे नहीं कहा था, निमित्ताधीन दृष्टि को हे कहा था। फिर से सुन लो आप, गुरुदेव श्री ने पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम स्वाध्याय जप तप तीर्थ यात्रा इनको हे नहीं कहा, लेकिन इनमें धर्म बुद्धि मानने वाली उपादेय बुद्धि थी ना, उसको हे कहा था, निमित्ताधीन बुद्धि को हे कहा था। ध्यान से सुनना, और बहुत बड़ा पाप कौन ने कर लिया, कैसे कर लिया वो सुनो। जरा कोई से कहा भाई पूजा करो, हे पूजा तो है छे, यदि पूजा हे माने है, है पूजा है, है और तुम पूजा करती हो, माने पूजा करने वाला निम्न कोटि का मोक्ष, और जो पूजा को हे करके समोसा खावे उसे तो जान ना रहो झनाए छे, आहा ज्ञायक भगवान, आत्मा आत्मा देह को छूता ही नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने वाला ये तो विकल्प है, पूजा पाठ ये तो विकल्प है, हे है। ध्यान से सुनना, पूजा पाठ को हे नहीं कहा गुरुदेव ने, व्रत उपवास नियम संयम और शुभ भाव को भी हे नहीं कहा, अणुव्रत और महाव्रत मुनि दीक्षा को भी हे नहीं कहा, लेकिन इसको धर्म मानने में हे कहा, इसमें इसमें इसके अधीन दृष्टि करना ये हे कहा। समझ में आया? आहा, अभी मैं पूछता हूं, पूजा पाठ हे है तो गुरुदेव श्री ने तो तुम्हारे स्त्री पुत्रादि को भी हे कहा था, अब बोल लो क्या कहना है आपको व्यापार धंधे को भी हे कहा था, बोलो आपको क्या करना है अब? मैंने पूजा पाठ को तो आपने विकल्प करके हे करके ने छोड़ दिया,
जबकि हे का अर्थ छोड़ना नहीं होता, हे का अर्थ होता है दृष्टि में आश्रय करने योग्य नहीं। क्या कहा, क्या कहा? दृष्टि में आश्रय करने योग्य नहीं, माने दृष्टि में आदर करने योग्य नहीं है, लेकिन परिणति में तो आदर है। फर्क समझना, परिणति में आदर है, दृष्टि में हे है। जैसे छिलके को ऊपर से तो आदर से लाते हैं, केले को छिलका सहित, लेकिन अंदर अंदर खबर क्या है कि छिलका तो आखिर फेंक नहीं है, केला खाएंगे और छिलका फेंक देंगे, ऐसे ही रहता है ना बिल्कुल। कब रहती है बात खबर? जब खरीद रहे हैं तब भी, लाते हैं तब भी। ऐसे ही व्रत उपवास नियम संयम शुभाचरण करते हुए भी, गुरु के चरणों में रहने पर भी, देव सास गुरु के चरणों में रहने पर भी आदर पूर्वक बरतते हैं। ऐसे नहीं भगवान सामने खड़े हो गए, हे भगवान तुम तो परद्रव्य हो ना, हे हो आप तो, आपकी दृष्टि तो मिथ्यात्व है, ये ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कहता हूं आपको। आप बाजी वालों से झगड़ोगे आप कि बेकार में तुम 10,000 रुपए 25,000 रुपए ले जाओगे बिल्कुल बेकार में, बोलोगे? बोलो क्या कहें भाई, लड़के की शादी में इतनी खुशी होती है पिताजी को, सबको, भाइयों को, चाचा को, सबको, कि वो बाजे वालों को फीस तो पहले ही नक्की रहती है उनकी 10,000 25,000 जितना भी रहता है, और बाद में 500 का नोट। अब मैं पूछा जी 500 का नोट काहे के लिए दे रहे जी, ये तो विकल्प है, हे है, इससे शादी थोड़ी होती है, उसकी फीस तो 25,000 पहले ही, अब जी क्यों देती हो? कई बार तो ऐसा देखा जाता है 25,000 के बाजे हो और 50,000, और बाद में बड़े गर्व से कहते हैं ये विश्व रिकॉर्ड, काय का मूर्खता का विश्व रिकॉर्ड, 25,000 तो देना ही थे, सो देना ही थे, कोई बात ही नहीं थी, ले 50,000 और। जैसे तेरा परिणाम वहां उछलता है ना शादी की खुशी में, ऐसे भगवान बनने की खुशी में बीतरागी देव सास गुरु पर न्योछावर होने का भाव आता है, जिनवाणी पर न्योछावर होने का भाव आता है। क्या कहें भाई, ये व्रत उपवास नियम संयम इसका कोई अनादर करने के लिए है नहीं कहा, ये अनादर नहीं करना। एक एक मैं नाम नहीं लेता हूं किसी के, शास्त्र को ऐसे पैरों में रख लिया, बिस्तर पे बैठे नहीं, बिस्तर पे उस पे रख लिया, हमने कहा भाई समय शाह जी का जो उपकार गुरुदेव श्री पर हुआ, जिससे भींज करके उन्होंने सारे जगत को नहला दिया, इसमें इस जिनवाणी का कितना उपकार है। अरे ये तो निमिच है, जड़ है, पुद्गल है, इसको इसको ज्यादा आदर नहीं करना, दृष्टि में ज्यादा नहीं चढ़ाना। तो दृष्टि में नहीं चढ़ाना कि आचरण में भी नहीं रखना। बोलो समय सार जी के निमित्त है ना, तो कितना उपकार है उसका, लेकिन उसको ऐसे रख दिया। अरे आप तो क्रियाकांडी हो, हमको आप तो क्रियाकांडी हो, जड़ है जड़, असली असली इधर देखो, असली समय सार भगवान आत्मा इधर है, इसका आरोप इस पर है। लो वो मेरा पाठ मुझे ही पढ़ा रहे हो या असली समय सार तो भगवान आत्मा है और ये तो जड़ है, इसमें तो आरोप है। मैं एक बात कहता हूं, जिनवाणी का अनादर करने के लिए गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं कहा था, हे दृष्टि में कहा था, ध्यान से सुनना, भगवान आत्मा उपादे दृष्टि में उपादे, निमित्त की दृष्टि में हे था, लेकिन अनादर नहीं। अब मैं बस थोड़े में ही कह देता हूं, कभी भी आप हे का अर्थ ऐसे नहीं निकालना, ये तो हे है, हे का मतलब अभी मालूम गुरुदेव श्री का विरोध कराने में गुरुदेव श्री के प्रवचन निमित्त नहीं है। हम जैसे अतकचरे विद्वान गए प्रवचन करने और वहां जाके उन्होंने पूजा पाठ की तो बिल्कुल क्या कहें, निपटाने जैसी बात, निपटाना समझिए, एक तो करी नहीं और करी भी तो निपटाई, निपटाई समझ गए, भार की तरह। और फिर कोई ने बोला कि अरे पूजा, अरे ये तो हे है, अरे तो पूजा हे है कि पूजा का विकल्प हे है, कि साहब पूजा का विकल्प है, बरोबर बात है, पूजा का विकल्प है, लेकिन भाई साहब पूजा का विकल्प ये है तो फिर पत्नी का विकल्प, व्यापार का विकल्प, खाने पीने का विकल्प, नंबर दो के व्यापार करने का विकल्प। अभी चरणानियों को समझनी पड़ेगी बात कि कौन सा विकल्प किस कैटेगरी में छूटता है, कौन सा विकल्प कब छूटता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बोलो
डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हें मूंग की दाल का पानी भी नहीं पचेगा। हे मूंग की दाल का पानी भी हे, समझ गए, मूंग की दाल का पानी हे, मूंग की दाल का पानी हे। तो ठीक है, घर जाके बोला जरा बादाम पिस्ता का हलवा लाना। बोले क्यों? कि वो तो उन्होंने मूंग की दाल को पानी हे कहा था, नहीं बादाम पिस्ता को हे थोड़ा ही कहा था। कि जब पानी जैसा, मूंग की दाल का पानी जैसा हल्का पानी तुमको नहीं पचता, ते भारी भारी है ये भारी। अब पहले क्या छोड़ना, बोलो पहले क्या छोड़ना। लेकिन वही बात है कि जहां पाप में हमको मजा आता है ना, वहां हे का याद तक नहीं आती। दुकान पे बैठ के लगना चाहिए, अरे आप बद्दू हे छे नहीं, वहां नहीं याद आती। वहां तो अपन पहुंच भी जाए ना दुकान पर कि क्यों भैया, व्यापार धंधा का विकल्प, वो व्यापार धंधा ये क्या है कि पंडित जी थवा योग थाय छे। देखो अपन तो अकर्ता हैं, अपन तो व्यापार के परिणामों के अकर्ता हैं, होने योग होता है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा हैं कि तुमसे बड़ा पापी दूसरा नहीं है। और मैं पापी के साथ साथ एक बात और कहता हूं, तुमसे बड़ा कोई गुरुदेव का अपोजिट नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री के तत्व को घात हमने पहुंचाया है। इसलिए अब तो समझ गए होगे, आप पूजा पाठ करो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो उसे हे कहने के अधिकारी नहीं हो। और हे माने कैसे, हे माने भी कैसे, हे हे पूजा पाठ व्रत बल है, क्रियाकांडी थी गया। क्रियाकांड बुरा नहीं है, ध्यान रखना, चरणानियोग बुरा नहीं है, आचरण बुरा नहीं है। और यदि हो है तो आप बता देना, मैं आपको आपसे ही परास्त करूंगा, आपको आपसे ही। हम एक बात कहते हैं, देखो शुभ भाव हे है ना, और शुभ क्रिया हे है, तो गुरुदेव श्री की प्रशंसा करना ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? बोलो, सोनगढ़ की महिमा आती है, ये महिमा आना शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? शुभ भाव है। तो अब मैं कह के बताऊं आपको, सुन पाओगे आप? जैसे आप समय सार जी को हे कर दिया, देव सास गुरु को हे कर दिया, क्रियाकांड को हे कर दिया, सुन पाओगे अब आगे? गुरुदेव श्री हैं, हे सोनगढ़ आए, हे करके देखना जरा। तो जो शुभ भाव अच्छे लगे वो तो अच्छा, और एक शुभ भाव देव सास गुरु की पूजा में कंटा लाता है, प्रमाद, कौन खड़ा रहे दे? और कौन 25 रुपए की द्रव्य चढ़ावे बादाम पिस्ता, और कौन चढ़ावे लौंग? नहीं, अपने तो भाव पूजा अच्छी, भाव पूजा हो भाई, बढ़िया। समझना, अच्छी तरह समझना हो, निमित्तों का पूरा आदर रखना। तीन अनियोग में 99% आदर रखा गया है। भावलिंगी संतों ने रखा है, आचार्य देवों ने रखा है, मुनि सर्वज्ञ भगवान ने रखा है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसे पूरा निभाया है। निभाया कह रहा हूं मैं, निभाया। जब दिगंबर मिले भी नहीं थे 15-20 वर्ष तक, तब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन के बाद मंदिर खड़ा किया था, समोसरण खड़ा किया था। तब उससे पहले, मंदिर बनने से भी पहले ग्रंथ छप गए थे। श्रीमद जी ने भी, समय सार जी आदि देख लेना आप, जितना साहित्य प्रकाशित हुआ उसमें दिगंबर का साहित्य सबसे ज्यादा है। श्रीमद जी के रहते रहते सबसे ज्यादा साहित्य दिगंबर का छपा, देखो। आपको समझना चाहिए। अब मान चलो आपको ऐसा लगता है व्रत उपवास नियम संयम पूजा पाठ क्रियाकांड है, तो मेरा रोटी खाना क्रियाकांड नहीं है, व्यापार करना क्रियाकांड नहीं है क्यों? और ये दुनियादारी, मकान, गाड़ी चलाना क्रिया नहीं, गाड़ी चलाना क्रिया नहीं है? नहीं क्यों? सुनो, पहले एक क्रियाकांड छूटता है, फिर इधर का छूटता है, और ये दोनों तब छूटते हैं जब आत्मा में लीन हो। आत्मा में लीन हुए बगैर यदि इधर छोड़ दोगे तो गहरे गड्ढे में गिरोगे। चलते चलते दृष्टांत दे देता हूं, ऐसी गलती करना मत। कौन सी? कि आप सब परिवार अब कार में बैठ के घर जाओगे, सो विवेक बोलेगा पापा से कि पापा ये क्या कहना था जी, स्टेयरिंग, पापा स्टेयरिंग के निमित्त से गाड़ी चलती नहीं, सो पापा जी स्टेयरिंग छोड़ देवे तो कि बेटा स्टेयरिंग कब छोड़ी जाती है
नहीं मालूम पड़ेगा कि ऐसे अभी इधर की स्टेयरिंग छोड़ दोगे ना शुभ भाव की, और शुद्ध भाव में गए नहीं, शुद्ध भाव में ठहरे नहीं, और अशुभ भाव की स्टेयरिंग भी छूट गई तो अशुभ के गड्ढे में गिरोगे, पाप के गड्ढे में। इसलिए आप निमित्त उपादान को प्रॉपर समझो। और अभी हम इसका बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, अभी चिंता नहीं करना, आज तो ले लिया हमने, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे आपको और ढेरों लॉजिक देंगे साइंस के भी और धर्म के भी। लेकिन मैं समझता हूं आपको अनुचित नहीं लगेगा। अब मेरे ख्याल से बहुत लोगों की शिकायतें दूर हो गई होंगी कि साहब ये तो निमित्त को करता ही नहीं मानते, कि निमित्त को करता मानने में ढेरों तकलीफ है। कुछ तो आज बताइए और कुछ और बताइए। ओम नमः शिवाय।